क्या आप जानते हैं साल भर में कुल कितनी बार नवरात्रे मनाए जाते हैं? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा दो बार, लेकिन नहीं, साल भर में कुल चार बार नवरात्रे मनाए जाते हैं। शारदीय नवरात्रे, दूसरे चैत्र नवरात्रे और दो बार गुप्त नवरात्रियां आती हैं, जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा के नौ रूपों की पूजा आराधना के साथ तंत्र मंत्र की भी साधना की जाती है। और किस तरीके से खास होते हैं ये गुप्त नवरात्रे, ये जानने के लिए हमारी टीम देवघर पहुंची और ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर मुदगिल से बातचीत की। 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, जो 18 फरवरी तक चलेंगे। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। जैसे शास्त्रों में वर्णन है कि नवरात्रा चार, एक वर्ष में चार नवरात्रा होते हैं, तो चार नवरात्रा में यह नवरात्रा जो है माघ महीने के शुक्ल पक्ष की परिवा तिथि को गुप्त नवरात्रा के नाम से जानते हैं। तो यह चौथा नवरात्रा जो है इसे हम गुप्त नवरात्रा कहते हैं। तो इस वर्ष 2024 का जो है गुप्त नवरात्रा 10 फरवरी शनिवार से प्रारंभ हो रहा है। तो गुप्त नवरात्रा में कलश स्थापन करके और 9 दिन तक, जैसे वासंती नवरात्रा या शारदीय नवरात्रा में 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, कलश रखा जाता है, उसमें जौ लगाया जाता है, इसी प्रकार से इस नवरात्रा में भी होता है। तो कलश स्थापन करके, कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त इस नवरात्रा में, ऐसे तो दिन भर का है, कोई दिक्कत नहीं है, मुहूर्त बहुत अच्छा है, लेकिन यदि कलश स्थापन आप 6:41 के बाद 8:12 तक कर लेते हैं, तो आपका यह स्थिर लग्न में कलश स्थापन हो जाएगा और दुर्गा जी का पाठ प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए इसी मुहूर्त में विशेष रूप से दुर्गा जी का अर्चन पूजन प्रारंभ करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:41 से लेकर सुबह 8:12 तक रहने वाला है। इसी समय में कलश स्थापना के लिए सबसे शुभ मुहूर्त बताया गया है। गुप्त नवरात्रि को तंत्र मंत्र की साधना के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। इसमें तांत्रिक और अघोरी तंत्र मंत्र की साधना के लिए माता दुर्गा का विशेष अनुष्ठान करते हैं, जिसमें नव दुर्गा के साथ साथ देवी की महाविद्याओं की भी साधना की जाती है। लोकल 18 के लिए देवघर से परमजीत कुमार की रिपोर्ट।